जीवन में उन्नति एवं प्रगति चाहिए तो हमारे चैनल पर जरूर आइए और अच्छे अच्छे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेते जाइए। फैक्ट्स जो आपको अचंभित कर दे, इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग हिला दे, वही सारे चीज़ हम यहाँ पर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन में। तो कैसे हो सारे, कमेंट करके बताओ रे। अच्छा चलिए अब फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, उसको हम फ्रीजर में रख दें तो क्या होगा? एक्चुअली जब हम फ्रीजर में रख देंगे तो उसकी लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी। अगर आप बैटरी का जो लाइफ स्पेन है, अगर एक घंटा है या फिर दो घंटा है मान लीजिए, तो अगर फ्रीजर में रख दे तो उसकी लाइफ स्पेन बढ़ के कुछ मिनट और ऐड हो जाएगी उसमें। फैक्ट नंबर टू, अगर आप बराबर भूल जाते हैं तो आप इसमें घबराइए मत, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग चीज़ें भूल जाते हैं वो इंटेलिजेंट होने का यह साइन होता है, मतलब फॉरगेटफुल होना इंटेलिजेंट होने का साइन होता है। ये चीज़ें साइंस ने प्रूव किया है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप बराबर चीज़ें भूल जाते हैं क्या? क्या आपको पता है कि जो आपका टेस्ट होता है वह हर 7 साल के दरमियान चेंज हो जाता है, मतलब जो चीज़ें 7 साल पहले आपको पसंद नहीं आती थी वह अब शायद पसंद आने लगे। तो क्या आपने चेंजिंग टेस्ट को ऑब्जर्व किया? भाई मैंने तो किया है, मेरे को तो कुछ समय पहले दूध पसंद नहीं आता था पर अब पी लेता हूँ एक्चुअली। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि गाय के गोबर से भी होली खेली जाती है? दरअसल ये फेस्टिवल हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक गांव में हर साल दिवाली के बाद यह फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको गोड़े हब्बा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के शरीर पर या फिर मुंह पर गाय के ताजे गोड़ फेंकते हैं। मतलब क्या ही मैं बताऊं, बड़े गजब के फेस्टिवल ये तो। अच्छा क्या आपको कभी इस तरह के फेस्टिवल, यही फेस्टिवल मनाने का कभी मौका मिले तो क्या आप मनाना चाहेंगे? अपने दोस्त को कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर फाइव, अच्छा क्या आपको पता है कि बहुत लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ इस तरह की भी ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, कॉपी के पेज, नाखून, गिलास या ईंटे पत्थर भी। क्या आप भी ऐसा कुछ खाते हैं? और इस ईटिंग डिसऑर्डर को पीका के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात यह भी है कि इतनी ज़्यादा एडवांस साइंस होने के बावजूद भी आज तक डॉक्टर यह पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस कंडीशन में पेशेंट के ब्रेन में होता क्या है जिसकी वजह से यह खाना स्टार्ट करते हैं, इस इतने अजीब गरीब चीज, मतलब क्या मैं बताऊँ। तो कैसा लगा वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही साथ लाइक कीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक कीजिए। और साथ ही साथ इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब पे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं हाँ इंस्टाग्राम पे। तो अभी मैं चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।